अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी पेज पर काम करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल बनाना है, या फिर एक न्यू फोल्डर भी आप बना सकते हैं। इसका नाम हम रख लेंगे कैटेगरी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे कैटेगरी डॉट जेएस। इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, आर एन एफ टी रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको हम क्या करेंगे, होम पेज में ऐड कर देंगे। इस लेआउट के बाद में हम क्या करेंगे, कैटेगरी वाले पेज को ऐड कर देंगे। देखिए आपको सजेशन शो करेगा कैटेगरीज, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। सेल क्लोज कर देंगे इसको, सेव। तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी पेज बराबर से शो कर रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरीज, इस पर अभी हमको काम करना है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, चलते कैटेगरीज पेज में। अब हमको यहाँ पर जो है ना कैटेगरीज को डिस्प्ले कराना है, लेकिन कैटेगरीज के लिए हमारे पास डेटाबेस भी तो होना चाहिए। अभी हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है, बैकएंड से कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, एक मैनुअल डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे। डेटाबेस मतलब क्या है कि कुछ वैल्यूज हम क्रिएट कर सकते हैं जिनको हम आगे यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सेपरेट फोल्डर के अंदर रख लेंगे। सो इस क्लाइंट के अंदर आप क्या करें, एक न्यू फोल्डर बना ले, और इसका नाम मैं रखता हूँ डेटा। इस डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, जेसन फाइल बना सकते हैं या फिर जेएस फाइल भी आप बना सकते हैं। जैसे कि एक न्यू फाइल बना देंगे हम, और इसमें हम लिखेंगे कैटेगरीज डेटा डॉट जेएस, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको साथ ही में एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखेंगे कैटेगरीज डेटा इक्वल टू एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको इसके अंदर एक आईडी लगेंगी, सो आईडी हम यहाँ पर पास करा देंगे ID 1। उसके बाद में इसका नेम क्या रखना है, सो आप नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ मोबाइल, और इसको कैपिटल लेटर से कर देता हूँ मोबाइल। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना पाथ भी ऐड कर देंगे, सो कौन से पाथ पे ये रिडायरेक्ट करना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, सेम नाम रखेंगे मोबाइल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइकॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आइकॉन के लिए आप क्या करें, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना ले आइकॉन के नाम से, और इसमें आपको क्या करना है, आइकॉन सर्च करके आपको ऐड करना है। कैसे, देखिए सिंपली आप क्या करें, ब्राउजर ओपन करिए, इसमें आप फॉन्ट ऑसम आइकॉन सर्च कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। और हमने देखिए यहाँ पर कोई भी 5.6 वर्जन यूज नहीं किया है, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले शुरू सर्च आइकॉन पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत से आइकन्स आपको नजर आएंगे, और यहाँ पर देखिए आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, इसमें वर्जन है तो ऑल वर्जन पर क्लिक करिए। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, अगर आपको याद होगा हेडर में हमने डायरेक्टली जो है ना इसको बताया था कि हम फॉन्ट ऑसम का यूज करने वाले हैं, कहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर वर्जन स्पेसिफिक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रोल करेंगे, स्क्रोल करने के बाद आपको जो बहुत से वर्जन मिलेंगे, फॉन्ट ऑसम 4 का इस्तेमाल करेंगे, सो ये स्टेबल वर्जन था, और अभी ये जो है ना हमारे पास में, तो ये भी आई थिंक 4 या 3 होगा, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली देखिए फ्री आइकॉन्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप आइकॉन को सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप आइकॉन को सर्च कर सकते हैं। देखिए बहुत से आइकॉन्स जो है यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोबाइल से रिलेटेड सर्च कर लेंगे, तो आप लिखेंगे मोबाइल, तो देखिए यहाँ पर मोबाइल फोन आ रहा है। सो इसका जो आइकॉन नेम है देख सकते हैं आप, FA मोबाइल है ना, तो सिंपली आपको मोबाइल को कॉपी करना है। कॉपी करके आप क्या करेंगे, वापस से आएंगे कैटेगरीज डेटा में, और इस आइकन में इसको पेस्ट कर देंगे। अब वन बाय वन आप जितनी भी कैटेगरीज को ऐड करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 5 से 6 कैटेगरीज जो है क्रिएट कर लेता हूँ, तो फटाक से मैं इसमें वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ, वरना मैनुअल में जो है ना काफी टाइम जा सकता है, तो मैं फटाक से क्रिएट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन सी कैटेगरीज को ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 कैटेगरीज को ऐड कर दिया, सेकंड वाला लैपटॉप, थर्ड डेस्कटॉप, फोर्थ वन है टैबलेट, फिफ्थ वन है हेडफोन, और सिक्स वन है एक्सेसरीज। तो ये 6 कैटेगरीज को मैंने ऐड किया, आप चाहे तो और भी ज्यादा इसमें कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना यहाँ पर इस कैटेगरीज के अंदर जो है रेंडर कराएंगे, क्योंकि ये लिस्ट है तो हम इसको मैप कर सकते हैं। सो इस टेक्स्ट के बदले आप क्या करें, इसको कट कर ले पहले शुरू। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, और VS कोड यूज कर रहे तो डायरेक्टली अगर आप कैटेगरीज लिखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर डेटा में से आपको ऑप्शन मिलेगा कैटेगरीज डेटा, इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पर हम एंड सिंबल यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमको कैटेगरीज डेटा मिलता है तब क्या करो, मैप करो, और जैसे हम मैप करेंगे ना सिंगल कैटेगरी हमको मिलेंगी, सो आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आइटम कर देता हूँ, यहाँ पे आइटम हमको रिटर्न होगा, तो फैट एरो सिंबल, और अगर आपको डायरेक्ट रिटर्न करना है तो पैरेंथेसिस आप यूज कर सकते हैं, और इंडेक्स भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अंडरस्कोर आईडी की फील्ड है तो हमको इंडेक्स की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक व्यू के अंदर रैप कर लेंगे,
और यहाँ पे हमको की प्रॉपर्टी को पास कराना पड़ता है। मेक श्योर आप इसको हमेशा पास कराएं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम को टारगेट करेंगे। आइटम के अंदर देखिए हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी, फिर आइकॉन, फिर नेम और पाथ। तो ये सारी चीजें हमने जो इस डेटा के अंदर बताई है ना, आईडी, नेम, पाथ, आइकॉन, तो ये गेट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पास करा सकते हैं। अगर आप की प्रॉपर्टी पास नहीं कराएंगे तो यहाँ पर क्या करता है रिएक्ट, यूनिकली जो है ना लिस्ट को जो है मेंटेन करता है, मैनेज करता है की के बेस पे। तो हमको मस्ट है कि की को हमको पास कराना पड़ता है। तो अंडरस्कोर आईडी जो है एक यूनिक फील्ड है, इसीलिए हमने यहाँ पर उसको हमने एज ए की में पास कराया हुआ है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, टचेबल ओपेसिटी का इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है इसको क्लिकेबल भी बनाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टचेबल टचेबल ओपेसिटी। मेक श्योर इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी शो करा सकते हैं, आइकॉन भी शो करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू टेक्स्ट को जो है डिस्प्ले करा देंगे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसमें हमको क्या करना है, हमारे पास आइटम में देखिए जो नेम है ना उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं, आइटम डॉट नेम, सेव कर लेंगे इसको। तो देखिए सब कुछ यहाँ पर लिस्ट जो है हमारा आ चुका है, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, हेडफोन्स, एक्सेसरीज, तो ये सारी चीजें यहाँ पर शो कर रहा है। फ्लेक्स जो है इसका भी बाई डिफॉल्ट कॉलम है, तो इसको हम रो में कर लेंगे। और आइकन भी हमको चाहिए ना, सो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, आइकॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर में हमने जो आइकॉन यूज किया था ना, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे वापस से कैटेगरीज वाले पेज में, इसको पहले टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे। और हम क्या करेंगे, आइकॉन भी कॉपी कर लेंगे हेडर में से। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, आइकॉन कहाँ पे यूज किया था, देखिए फॉन्ट ऑसम, सो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कॉपी करने के बाद यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी में इसको पेस्ट कर देंगे। स्टाइल को रिमूव कर लेते हैं, अभी स्टाइल अपने पास अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर स्टैटिक नेम के बदले हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी जो है आइटम के अंदर आइकॉन की प्रॉपर्टी है, जिसके बेस पर ऑटोमेटिकली हमारे पास आइकॉन्स गेट हो जाएंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए सारे आइकॉन्स हमारे पास आ चुके हैं। और यहाँ पर हेडफोन में कुछ इशू है, एक बार देख लेते हैं हेडफोन के लिए क्या था। हेडफोन हेडफोन तो है बराबर, हेडफोन करके है कि एक बार देख लेते हैं, या फिर मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। हेडफोन के लिए क्या है, एक बार देख लेते हैं। हेडफोन यहाँ तो बराबर लिखा था ना हमने, चेक कर लेते हैं एक बार। यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसके अंदर वापस से पेस्ट कर देता हूँ। हेडफोन्स, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए अब हेडफोन का आइकन भी बराबर से आ रहा है। इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तो और अच्छे से ये दिखाई देगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट को भी ऊपर इम्पोर्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप लिखें स्टाइल शीट, और नीचे हम क्या करेंगे, स्टाइल बना लेंगे, कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू, फिर स्टाइल शीट को टारगेट करेंगे। उसके बाद में क्रिएट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। क्रिएट क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बता सकते हैं जैसे कंटेनर हमने बनाया था, सेम उसी तरीके से वापस मैं कंटेनर एक बना लेता हूँ। और इसमें जो है ना बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ, और बैकग्राउंड में टोटल व्हाइट कर लेता हूँ। सो हैश एफ 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 एफ, और थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसके अंदर जो है ना पैडिंग ऐड कर देंगे। सो पैडिंग पैडिंग ऑफ 5 इनफ रहेगा, और स्पेस लगता है तो बाद में इसको चेंज कर लेंगे। और फ्लेक्स की डायरेक्शन भी चेंज करना था ना, सो फ्लेक्स डायरेक्शन इसको हम कर देंगे रो। और हम क्या करेंगे इस व्यू के अंदर उसको ऐड कर देंगे। सो स्टाइल 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 के अंदर फिर स्टाइल्स को टारगेट करेंगे। इसके बाद में हमारे पास है कंटेनर, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए परफेक्टली जो एक के बाद में एक बराबर से आ रहा है। और थोड़ा सा और स्पेस हमको इसमें चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले व्यू को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेपरेटली जो है स्टाइल कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, अलग से इसको टारगेट कर लेता हूँ। इसको हम क्या कर लेंगे, कैटेगरी के नाम से कर लेंगे, या फिर कैट कंटेनर कर देता हूँ। सो इससे हमको थोड़ा आइडिया रहेगा, ये है कैटेगरीज के लिए। और इसमें हम क्या करेंगे, पैडिंग और ऐड कर देंगे। सो पैडिंग ऑफ 10 इनफ रहेंगे, सेव करके एक बार देख लेंगे। इसको हम अप्लाई कर देंगे इस वाले व्यू पर, तो आप लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ पे हम स्टाइल्स को टारगेट कर लेंगे, स्टाइल्स डॉट कैट कंटेनर, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए बराबर से आ रहा है। और इसके पीछे देखिए हमारे जो एलिमेंट्स है ना वो हाइड हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रोल व्यू से रैप कर सकते हैं। और ये कॉन्टेंट जो है ना एक के ऊपर एक नहीं आ रहा है, और कॉन्टेंट बराबर से अलाइन भी नहीं है, तो इसको भी हमको पहले फिक्स करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, सेव कर लेते हैं इसको। अलाइन करके भी देख लेंगे, अलाइन आइटम्स, सेंटर, सेव। सो यहाँ पर तो ये अलाइन नहीं हुआ। हम आइकॉन को भी टारगेट कर लेंगे पहले शुरू, और फिर ये जो टेक्स्ट है ना उसको भी टारगेट कर लेंगे, तो उसके हिसाब से फिर बराबर एडजस्ट होगा आई थिंक। चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो इस आइकन को भी हम क्या करेंगे, क्लास दे देंगे। सो नीचे पहले टारगेट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैट आइकॉन, सो कैटेगरी आइकॉन हम इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे। सो फॉन्ट साइज इसको कर देता हूँ मैं 30, थोड़ा सा बड़ा आइकॉन देख लेंगे। साइज अगर कम ज्यादा करना रहा तो आप चेंज कर सकते हैं इसको।
उसके बाद मैं यहाँ पर वर्टिकल अलाइन ऐड कर देता हूँ। मैं वर्टिकल अलाइन इसको कर देता हूँ टॉप से, और इस कैट आइकॉन को आप क्या करें, इस फॉन्ट ऑसम पे अप्लाई कर दें। सो आप लिखेंगे स्टाइल, फिर इसके बाद में फिर आपको स्टाइल्स लिखना है, स्टाइल्स के बाद में कैट आइकॉन, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है और ठीक ठाक लग रहे हैं आइकॉन्स, देख सकते हैं आप। 30 ज़्यादा हो रहा होगा तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कैट कंटेनर बराबर से अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका कुछ देखना पड़ेगा हमको अल्टरनेटिव। अच्छा, ये व्यू पे अप्लाई हो रहा है ना, सो यहाँ से व्यू से मैं इसको हटा के जो है ना स्ट्रेचेबल ओपेसिटी पे ऐड करके देख लेता हूँ। ठीक है, आप बराबर से काम करेंगे क्योंकि वो सेपरेट व्यू है ना, और टचेबल ओपेसिटी के अंदर अपने पास नेम और आइकॉन है, इसीलिए वो इशू कर रहा था। अब आप देख सकते हैं ये परफेक्टली अलाइन हो चुका है, और फॉन्ट साइज 30 ज़्यादा हो रहा है आई थिंक। इसको 20 करके देखते हैं, 20 20 ठीक है, इसको 25 कर देंगे, सेव। 28 कर देता हूँ, 28 सेव, ठीक ठाक है। देखिए अब ठीक ठाक है, और भी आप इसमें स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैट टाइटल, यानी कैटेगरी टाइटल, और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम कम कर देंगे, इसको कर देता हूँ मैं 12, इनफ रहेगा आई थिंक, चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ सेमी कोलन हो गया, ये है कोलन। अब इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, सो इस टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल, स्टाइल्स को टारगेट करेंगे, फिर हमारे पास है कैट टाइटल। अब ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप। और आइकॉन में बड़ा कर देता हूँ, 28 था ना, 30 रहने देंगे इसको। अब ठीक ठाक लग रहा है ये, और ये सारे मेन्यूज यहाँ पर बराबर से आ रहे हैं, और पैडिंग आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। सो पैडिंग हमने 5 लिखा था, इसको मैं कर देता हूँ 15, 15 पे ज़्यादा हो रहा है ये। तो कंटेनर के अंदर जो है ना पैडिंग को बढ़ा के देख लेते हैं, इसको कर देते हैं 15, और 15 ठीक ठाक है, देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा जो है क्लियर हमको व्यू नज़र आ रहा है, और हमारे मेन्यूज जो है ना वो साइड में जो है हाइड हो गए। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ जो है ना स्क्रॉल व्यू के अंदर रैप कर लेंगे। तो आप क्या करें, पहले शुरू टॉप पे जो है ना स्क्रॉल व्यू को ऐड कर लें। तो आप लिखेंगे स्क्रॉल व्यू, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे स्क्रॉल व्यू, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, सब कुछ यहाँ से कट करेंगे। जितना भी व्यू पार्ट है ना उसको आपको कट कर देना है, और इस स्क्रॉल व्यू के अंदर रैप कर लेना है। सेव कर लेते हैं इसको, जैसे सेव करेंगे अच्छा कोई भी इफेक्ट अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन जो है ना टॉप से बॉटम होती है, तो हम क्या करेंगे इसको लेफ्ट टू राइट करेंगे। सो के लिए हमको हॉरिजॉन्टल को एनेबल करना पड़ेगा। सो इस स्क्रॉल व्यू के अंदर देखिए हॉरिजॉन्टल की एक प्रॉपर्टी मिलती है हॉरिजॉन्टल, इसको हम कर देंगे ट्रू, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए अब बराबर से यहाँ पर आइकॉन भी आ रहा है, और अगर आप इसको स्लाइड करेंगे तो मेन्यूज भी बराबर से शो कर रहा है, और ये इंडिकेटर आइकॉन भी नज़र आ रहा है ना, तो इसको हम हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आई थिंक कुछ एक ऑप्शन होता है, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, शो शो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल इंडिकेटर, इसको हम क्या कर देंगे यहाँ से जो है ना फॉल्स कर लेंगे। तो आप क्या करें, इसको फॉल्स कर लें, सेव। अब अगर मैं यहाँ पर स्क्रोल करूंगा तो देखिए कोई भी इंडिकेटर हमारे पास नहीं होगा, और बराबर से देखिए हम स्क्रोल भी कर पा रहे हैं। तो परफेक्टली हमारे पास कैटेगरीज भी बन चुकी है, अगर इस पर क्लिक हो तब भी आप कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझको रिडायरेक्ट करना चाहिए इस मोबाइल वाले सेक्शन पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक हुक आता है नेविगेशन का, ऑलरेडी हमने देखे नेविगेशन से रिलेटेड सारी पैकेजेस को डाउनलोड करके रखा है। एक बार फिर से बता देता हूँ, पैकेजेस एंड फाइल में हमारे पास देखिए रिएक्ट नेविगेशन है और नेटिव स्टैक भी है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, इसमें हमको एक हुक मिलता है यूज नेविगेशन का, इसका आपको यूज करना है। तो आप क्या करें, पहले शुरू इम्पोर्ट करें समथिंग फ्रॉम, फिर आपको लिखना है @react_navigation/native, इसमें से हम क्या करेंगे यूज नेविगेशन का इस्तेमाल करेंगे, यूज नेविगेशन। अब ये हुक है तो डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, नेविगेशन के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, नेविगेशन इक्वल टू फिर यूज नेविगेशन, अब इसका हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे इस टचेबल ओपेसिटी पर क्लिक हो ना, तो हम क्या करेंगे इसके ऑन क्लिक, या फिर सेपरेट फंक्शन भी आप बना सकते हैं, हम डायरेक्ट इनलाइन देख लेंगे। सो इस टचेबल ओपेसिटी के ऊपर आप क्या करें, इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऑन प्रेस पर काम करेंगे, सो ऑन प्रेस इनलाइन एरो फंक्शन, इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर नेविगेशन का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हमको नेविगेट का फंक्शन मिलता है, सो नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसको हम क्या करेंगे मोबाइल वाले पे रिडायरेक्ट कर लेंगे, या फिर डायनेमिक वैल्यू है सो हम क्या कर सकते हैं पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डेटा के अंदर जो है पाथ का एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है, जो ये प्रॉपर्टी है उसके बेस पे भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट पाथ, सो इसके बेस पे हमको ये रिडायरेक्ट कर लेगा। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना मोबाइल के ऊपर, तो एरर शो करेगा क्योंकि हमारे पास ये पेज है ही नहीं। तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं,
ऐप डॉट जेएस में चलते पहले शुरू। ऐप डॉट जेएस, इसमें हमारे पास अबाउट का भी एक पेज था ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टेम्पररी जो है ना इसको मोबाइल कर लेता हूँ, इसका जो नेम है ना उसको कर लेता हूँ मोबाइल। सिर्फ टेस्ट पर्पज के लिए हमको देखना है कि ये राउट बराबर से काम करता है या नहीं। अब चलते वापस, मैं एप्लीकेशन को रिलोड भी कर देता हूँ। सो आर प्रेस करेंगे, एप्लीकेशन हमारी रिलोड हो जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पर मोबाइल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मोबाइल पेज पे ये बराबर से हमको रिडायरेक्ट कर रहे हैं। बैक पे आएंगे तो देखिए बराबर से हम होम पेज पर आ चुके हैं। उसी तरीके से लैपटॉप पर क्लिक करूंगा तो स्टिल हमको एरर शो करेगा, क्योंकि इसके लिए भी हमको भी पेज बनाना है। तो ये हम बाद में देखेंगे, हम क्या करेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से या फिर प्रोडक्ट्स के नाम से एक पेज बना देंगे। जैसे इस पर क्लिक हो तो सर्च क्यूरी की मदद से हम क्या करेंगे सिर्फ इससे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमको देखना है। तो यहाँ पर कैटेगरीज तो अपना बन चुका है और परफेक्टली ये काम कर रहा है। आप चाहें तो दूसरी कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, और ये जो आइकॉन है इसके बदले आप इमेज का भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में हम इसको डेटाबेस के थ्रू करने वाले हैं, यानी डेटाबेस में हमारे पास एक्सेस रहेगा कि हम कैटेगरीज को क्रिएट कर पाए। तो वहां पे भी आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप यहाँ पर इमेजेस का यूज करेंगे, तो उससे बेटर आप आइकॉन्स का यूज करिए। आइकॉन्स बहुत मिलते हैं, आप रिएक्ट वेक्टर आइकॉन्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। जैसे कि अगर आप वापस से इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, मैं गूगल पे वापस से सर्च करके आपको बता देता हूँ। आप सर्च करिए रिएक्ट वेक्टर आइकॉन्स, फर्स्ट लिंक मिलेगा। देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं पूरे आइकॉन्स को सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मोबाइल लिखा। जैसे मोबाइल लिखूंगा तो कौन कौन से लाइब्रेरी में मोबाइल का आइकॉन अवेलेबल है आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी अच्छा आइकॉन आपको लगता है, सो आपको क्या करना है यहाँ पे चेक करना है कौन से पैकेज में से वो गेट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप डेटा यूज करेंगे ना, तो इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमको नहीं पता ना कौन से पैकेज में कौन सा जो है आइकॉन अवेलेबल है। तो हमको क्या करना है, कोई भी एक लाइब्रेरी को सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने फॉन्ट ऑसम को सेलेक्ट किया था, अगर आप टॉप पे देखेंगे ना कैटेगरीज में, हमने डायरेक्टली फॉन्ट ऑसम को यहाँ पर टारगेट किया। अगर आपके जो भी फेवरेट आइकॉन्स है वो कोई दूसरे पैकेज में है, सो मेक श्योर कोई एक पैकेज में से ही आप जो है सारे आइकॉन्स को गेट करिए, तभी जो है ये बराबर से काम करेगा। वरना अगर आप कोई फॉन्ट ऑसम में से यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा फिर एन टाइपो में से यूज कर रहे हैं, या फिर एन डिजाइन में से यूज कर रहे हैं, तो फिर वहां पर जो है ना इम्पोर्ट्स का इश्यू आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो है कैटेगरी सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसके बाद के पार्ट पर काम करेंगे।